शिवपुरी के गुरुद्वारा चौराहे के पीछे महावीर नगर में पुलिया और सड़क का हाल बदहाल नजर आ रहा है। 3 साल से रहवासी पुलिया सड़क की आस लगाए हुए बैठे हैं। इसकी शिकायत भी कई बार रहवासी 3 सालों में कर चुके हैं, लेकिन आज तक प्रशासन के कानों पर जू नहीं रेंगी है। इसके चलते आए दिन हादसे हो रहे हैं, लोग चोटिल हो रहे हैं। आपको बता दें कि महावीर नगर में 3 स्कूल संचालित हैं। स्कूलों के कारण लगभग 2000 छात्र छात्राओं का रोजाना यहां पर पुलिया व सड़क से निकलना होता है, जिससे वो आए दिन चोटिल होते रहते हैं। वहीं स्कूल की बसों और गाड़ियों का भी निकलना रहता है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं पुलिया के दोनों तरफ सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। नाला भी भारी बारिश के चलते फुल बह रहा है। मेरा नाम रामदयाल जी है। कहाँ रहते हो रामदयाल जी? महावीर नगर में। ये रोड की दुर्दशा हो रही है, कब से हो रही है? रोड की दुर्दशा इसको आज 3 साल हो चुके हैं। बराबर बोले आते हैं, कोई सुनवाई नहीं है, कोई आने वाला नहीं है, कोई देखने वाला। आते हैं देख करके चले जाते हैं। सुबह से कल रोड डलवाई, 20,000 रुपये पहले खर्च किए, फिर दोबारा खर्च कर रहे हैं। आज आप देख रहे हो सामने लाइव चल रहा है, लगातार ठेले वाले लगे हुए हैं। मरम्मत की जा रही है वो नगर पालिका के द्वारा की जा रही है? नहीं, अपने उससे स्वयं से नगर पालिका का तो कोई पास में दो दो स्कूल भी हैं, सब है, लेकिन नगर पालिका तो भैया नगर पालिका कोई देखने नहीं आता। तो बच्चों को क्या पर कुछ परेशानी आ रही होगी पास में? बच्चों की जी हालत कर दी है, उधर उतार देते हैं, वहाँ से लेकर के एक एक करके निकाल रहे हैं। इसमें टोटल भी होते होंगे काफ़ी बच्चे हैं? टोटल भी होते होंगे बच्चे गिरते होंगे? अभी तो ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन सेफ्टी से निकाल रहे हैं हम लोग, यहाँ खड़े हुए हैं। इसका कारण क्या है ये बार बार खराब होने का? बार खराब होने का कारण ये है कि नल्ले की अगर पूरी सफाई हो जाती थी, मौका नहीं आता। मोबाइल पे जल्दी है सब दिखते हैं बहुत ज़्यादा। पवन कुमार अग्रवाल। कौन सी जगह पवन जी? महावीर नगर गुरुद्वारे के पीछे। ये नाला में रोड बहुत हो रही है, कब से ये हो रही है? 3 साल हो गए इसको बराबर। इसके बाद आपने किसी से शिकायत की? सबसे नगर पालिका में कई बार शिकायत की है, नगर पालिका वाले सुनते नहीं। फिर आपने रोड का खुद ही मरम्मत कराई थी? बता खुद ही मरम्मत कराई है, खुद ही पैसे लगा रहे हैं, खुद ही अपने आप से हाथ से काम कर रहे हैं। इसके पास में स्कूल भी है, तो स्कूल भी बच्चों को भी आने जाने में स्कूल के बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं, गिरे गिरे से डेली गिर रहे हैं इसमें। डेली गिर रहे हैं। समो से कहते हैं CMO से कोई सुनवाई नहीं होती है नगर पालिका में, और सब रामदयाल जी हैं वो बेचारे अपने हाथों से मिट्टी और पत्थर ढो रहे हैं। हम लोग कॉलोनी वाले साथ नहीं देते हैं, क्या करें? 2-4 आदमी हैं वही काम करेंगे, कहाँ तक काम चलेगा?